हाय एवरीवन, ये आईसीआर असिस्टेंट एग्जाम के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट वन है और इसके अंदर हम लोग दो पार्ट्स कवर करने वाले हैं। जो फर्स्ट में सबसे पहले अगर आप देखो तो सबसे पहला है यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के हम लोग 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस पार्ट में, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के टोटल 25 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला जो है वो है मेरा जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से हमें जो विषम है, जो ऑड है, उसे हमें छांटना है। तो पहला वाला जो है वो डी एम जे है। डी मीन्स 4, डी का जो वैल्यू होता है मेरा अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो होता है 4, एम 13 होता है, जे 10 होता है। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करो तो यहाँ पे मुझे 27 दिखेगा। उसी तरह से एफ 6 है, पी जो है वो 16 होता है, ई 5 होता है, इन सबको ऐड करेंगे तो मुझे 27 ही दिखेगा। आर जो है वो होता है 18, सी जो है वो 3 होता है, एफ 6 होता है। अगर इन तीनों को ऐड करें तो 6 3 9 और 8 17, यानी कि मुझे 27 दिखेगा। और लास्ट वाला है ए एस जे, ए 1 होता है, एस 19 होता है, जे 10 होता है। अगर इसे हम लोग ऐड करें तो मेरा 30 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो मेरा राइट आंसर नहीं है, बाकी जो तीन हैं वो एक जैसे हैं, जिसका सम जो है मुझे 27 मिल रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा ए एस जे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ बी जे इक्वल्स टू 20, बी ई जी इक्वल्स टू 70, देन फाइंड टी ए ई। तो हमें टी ए ई फाइंड करना है। तो पहला जो है वो है मेरा बी जे। बी जे बी इक्वल्स टू होता है 2, जे एक होता है 10, और मुझे 20 गिवन है। तो आप गेस कर सकते हैं 2 इंटू 10 होगा। नेक्स्ट जो है वो है मेरा बी इक्वल्स टू 2, ई इक्वल्स टू 5, जी इक्वल्स टू 7। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो मुझे अगेन 70 मिल जाएगा। तो सेम मेथड से टी 20 होता है, ए 1 होता है, ई 5 होता है। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 100 दिखेगा। तो 100 जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस की जो यूनिट है वो है मेरा ओम। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? तो बहुत सिंपल है, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। तो टेस्ला यहाँ पे राइट आंसर होगा। कैंडेला जो है वो मेरा लुमिनस इंटेंसिटी की जो है यूनिट होती है। वही जो MHO है, यानी कि महू जो है वो मेरा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, हेक्टेयर तो सबको मालूम ही है, एरिया से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट रिक्वेस्ट द करेक्ट रिलेशनशिप। हमें जो वेजिटेबल्स ब्रिंजल और ग्रेप्स है, यानी कि सब्जी, बैगन और अंगूर, इन तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम जो है एक सही रिलेशनशिप बता रहा है वो हमें बताना है। तो बहुत सिंपल है, जो वेजिटेबल है वेजिटेबल के ही अंदर में ब्रिंजल होगा, जो बैगन होगा वो एक टाइप ऑफ सब्जी है, वही अंगूर जो है वो फ्रूट है वो अलग हो जाएगा। तो मुझे इस तरीके का जो है वेन डायग्राम देखना है, तो वो ऑप्शन 3 में है, यानी जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। हमें इसमें से किसे इंटरचेंज करने पे जो है फॉलोइंग इक्वेशन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा वो बताना है। पहला ऑप्शन है 4 5। अब देखो 4 के जगह पे अगर मैं 5 कर दूं, यहाँ पे अगर मैं 5 कर दूं तो यहाँ डिवाइड का साइन है, तो 8 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी पहला ऑप्शन जो है वो कम चांस है होने का। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑप्शन पे बाद में जाएंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 7 5। अब 7 और 5 मतलब 7 के जगह पे मैं 5 करूं और 5 के जगह पे मैं 7 कर दूं, तो अब देखो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। तो मैं इस ऑप्शन को लेकर के चल रहा हूँ, 7 - 8 / 4 देन प्लस 5 देन इनटू 3 मुझे गिवन है। नाउ 7 के जगह पे ये कह रहा है कि 5 कर दो और 5 के जगह पे 7 कर दो। मैंने 7 के जगह पे 5 लिखा, 5 - 8 हो गया, डिवाइड बाय 4 देन प्लस 5। 5 के जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, 7 कर रहा हूँ, इनटू 3 हो गया। नाउ यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा, 2 मुझे दिखेगा, प्लस इधर 7 5 - 35 इधर दिखेगा, और फिर माइनस इधर है मेरा 5। तो 35 + 5 यानी 40। 40 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो मुझे जो दिख रहा है वो मुझे दिखेगा 38। ठीक है, यहाँ पे मुझे 5 / 8, फिर यहाँ पे फिर डिवाइड 4, फिर प्लस 7 इंटू 5 हो गया यहाँ पे,
अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक ये है, यहाँ पे सेवन के जगह पे मैंने फाइव करा, यहाँ पे थ्री है, थ्री की जगह पे मैंने फाइव कर दिया, यहाँ पे ये थ्री होगा। तो जो मुझे यहाँ पे टू दिख रहा है, सात या इक्कीस होगा, यहाँ पे ट्वेंटी वन हो जाएगा। सो ट्वेंटी वन प्लस फाइव अगर मैं करूँगा तो मुझे ट्वेंटी सिक्स दिखेगा माइनस टू, तो यानी कि मुझे ट्वेंटी फोर यहाँ पे दिखेगा। नाउ जो दूसरा ऑप्शन है इधर वाला, वो है मेरा एट इंटू थ्री प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू माइनस थ्री। नाउ सेवन फाइव इसमें नहीं है तो मुझे इसमें नॉर्मली सॉल्व करना है। सो एट इंटू थ्री प्लस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो तीया छः होगा, फिर माइनस थ्री, ये दोनों कैंसिल होगा, आठ या चौबीस, तो चौबीस चौबीस इक्वल हो गया, यानी जो ऑप्शन टू है वो मेरा राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग सिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द डिक्शनरी इन द रिवर्स ऑर्डर। हमें इसे डिक्शनरी में जिस तरीके से वर्ड मिलेगा हमें पहले वैसे अरेंज करना है, फिर हमें उसका रिवर्स करना है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो डब्ल्यू वेदर है, वेपन है, वेबसाइट है और वेस्ट है। तो वेबसाइट में बी आ रहा है और वेस्ट में एस आ रहा है, तो ये दोनों तो बाद में होगा। डब्ल्यू ई ए, डब्ल्यू ई ए फर्स्ट और सेकंड में है तो ये दोनों पहले होगा। नाउ पी सिक्सटीन होता है, टी ट्वेंटी होता है, यानी टू पहले होगा, बाद में फिर वन आएगा। ये दो चीजें हो गई, फिर थ्री पहले आएगा क्योंकि इसमें मुझे बी दिख रहा है और लास्ट में फोर आएगा। तो जो ऑर्डर होगा मुझे डिक्शनरी में वो टू वन थ्री फोर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है रिवर्स ऑर्डर, यानी फोर थ्री वन टू मुझे दिखेगा। तो फोर थ्री वन टू जो है वो मुझे ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिसेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। जो मुझे ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ऑप्शन में, मुझे इसमें से कौन सा मिरर इमेज बताएगा। तो मिरर इमेज जो है वो मुझे, अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे अगर एक मिरर ले लूँ इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पे इसका जब दिखेगा, जैसे सपोज अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, तो मुझे जो यहाँ पे ये जो क्यूब है मुझे इसका कैसा दिखेगा, तो ये दो जो डॉट है वो मुझे इधर दिखेगा, ये ट्राइंगल मुझे सामने की तरफ दिखेगा, ऊपर में जो है मुझे ये डॉट ही दिखेगा। तो सिंपली मुझे ये दो डॉट इस साइड में, लेफ्ट साइड में दिखना चाहिए, दो डॉट मुझे लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है और ट्रायंगल भी मुझे चेक करना है। तो देखो दो डॉट मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, अब यहाँ पे ट्रायंगल जो है ऐसे है, इसमें ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, तो मुझे चेक करना है ट्रायंगल कैसा है। तो ट्रायंगल यहाँ पे सीधा है ना कि डाउन है, मतलब ट्रायंगल इस तरीके से है ना कि ऐसे है, ऐसे नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन थ्री है वो गलत है, ऑप्शन फोर जो है वो राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट हमें ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज बेटर डांसर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में कौन ज्यादा अच्छा डांसर है। स्टेटमेंट मतलब ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट है ए हैड गिवन मोर डांस कॉमा ऑडिशंस। ए जो है वो ज्यादा डांस किया है और ऑडिशंस भी उसने ज्यादा दिया है। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है बी के, मतलब देन बी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, बी हैड गिवन मोर डांस परफॉर्मेंस देन ए। यहाँ पे कॉमा वोमा नहीं है, यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस जो है वो बता रहा है कि बी जो है वो ए के कॉम्पेरिजन में ज्यादा डांस परफॉर्मेंस दिया है। डांस परफॉर्मेंस के बहुत सारे टाइप होते हैं, स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस करना, कहीं और करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो कंपैरिजन मेथड है कि जो है बी जो है वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा डांस परफॉर्म किया है, और पहला वाला स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है कि ए जो है वो ज्यादा डांस भी किया है और ऑडिशंस भी इन्हें ज्यादा दिया है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ए इज अलोन सफिशियंट व्हाइल बी इज नॉट सफिशियंट अलोन। देखो अगर अच्छे से इसे समझोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दोनों में बेटर डांसर कौन है, ए है या बी है। तो अब दो पर्सन है, एक ए है और एक बी है, दोनों डांसर है। अब दोनों में क्वेश्चन है कि दोनों में बेटर कौन है। अब इसका जो है दो तरह से सॉल्यूशन दिया है। अब ये कह रहा है कि जो ए है वो बहुत ज्यादा डांस किया है इसने, बहुत ज्यादा ऑडिशन भी इसने दिया हुआ है, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है बी जो है उसने जो है, अब देखो पहले वाले में डांस और ऑडिशन दो अलग अलग चीजों के बारे में उसने बात करा है, लेकिन बी का जब बात हो रहा है यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो कह रहा है कि बी जो है वो ए के कंपैरिजन में डांस परफॉर्मेंस, ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मेंस एक वर्ड आ रहा है, डांस परफॉर्मेंस बी ने ज्यादा दिया है ए के कंपैरिजन में।
अब परफॉर्मेंस का मतलब बहुत तरह से होता है। परफॉर्मेंस मतलब थोड़ा सा परफॉर्म कर लिया ताकि वो बता सके कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो गया कि ये मतलब किस तरह का परफॉर्मेंस है। तो जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट पे हम भरोसा नहीं कर सकते। और अगर पहला वाला स्टेटमेंट देखें तो ए जो है वो बहुत ज्यादा डांस भी किया हुआ है उसने, और ऑडिशंस भी ए ने बहुत ज्यादा दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए जो है वो अलोन सुफिशियंट है, वाइल जो बी जो है वो नॉट सुफिशियंट अलोन है, ये इसका राइट आंसर होगा। दूसरा वाला ऑप्शन फिर हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि दूसरा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे बी हैड गिवन मोर डांस परफॉर्मेंस देन ए, तो ये बता रहा है कि मोर डांस परफॉर्मेंस दिया है। अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं होता और यहाँ पे ये लिखा होता बी हैड गिवन मोर डांस एंड ऑडिशन देन ए, तो ये ऑटोमेटिक फिर ये कहता है कि जो है ए के कंपैरिजन में बी जो है वो ज्यादा बेस्ट है। तो जो बी वाला जो होगा मतलब बी स्टेटमेंट बी इज अलोन सुफिशियंट वाइल ए इज नॉट सुफिशियंट अलोन, ठीक है, ये वाला आ जाता। या फिर दोनों स्टेटमेंट मिला के कुछ मतलब प्रेडिक्शन बन रहा होता, दोनों को मिला करके अगर कुछ रिजल्ट निकलता तो उस समय आता कि बोथ स्टेटमेंट एंड एंड बी मस्ट फॉलो, ठीक है, इस तरीके का आता। तो यहाँ पे ऐसा बी वाला जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। पहला वाला है 43 और है मेरा 169। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अब देखो इसका तरीका ये है कि अब 43 जो है 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 16 होगा, 3 का स्क्वायर करें तो मेरा 9 होगा, तो 169 मुझे मिल जाएगा। 41 जो है 4 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 16 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 161 होना चाहिए था, लेकिन बाकी सारा जो चेक कर लेता है। 52 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 254 होगा, यहाँ पे मैच कर गया। 24 को देख लेते हैं तो 2 का स्क्वायर है मेरा 4 और 4 का स्क्वायर है 16, तो 416 ये मुझे मिलेगा। तो जो ऑप्शन 2 है वो अलग है, तो यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हमें ये फिगर जो है किसमें एम्बेडेड है, कौन से ऑप्शन फिगर में एम्बेडेड है ये बताना है। तो आप देखो एक इस तरीके का डायग्राम है, बीच से यहाँ पे ये गया, बीच से गया ना कि साइड से गया। अब देखो इसमें जो है ये मुझे इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, ये मुझे इस तरीके का दिखेगा, लेकिन ये और ये डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो देखो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके का, ये लकीर दिख रहा है, फिर मुझे बीच से ये यहाँ पे गया है, तो ये जो ऑप्शन 3 है वो परफेक्टली मैच कर जा रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अमित स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस गोज 7 किलोमीटर टू ईस्ट, 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। सपोज ये 7 किलोमीटर है जो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट हमेशा इधर बनता है, वेस्ट इधर बनेगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। तो ईस्ट की तरफ 7 किलोमीटर जाता है, देन टर्न टू हिज राइट और अपना राइट लेता है वो, और देन गोज 24 किलोमीटर, और उसके बाद जो है 24 किलोमीटर वो जा रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ये फाइंड करना है। ट्रिपलेट दिया हुआ है, 7 है 24 है, तो इधर वाला 25 होगा, तो 25 इसका राइट आंसर हो गया, 25। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स, मुझे 5, 20 और 30 दिया हुआ है, मुझे इसके जैसा सिमिलर बताना है कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे 5 है, 20 है, 30 है, 30 है, मुझे इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ये रिलेशन फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, और उस तरह की चीजें जो है मैच कर रही हैं कि नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ 5 4 कितना होता है 20, और फिर मैं यहाँ पे 5 6 कितना होता है 30। तो आप यहाँ देखो 4 और 6 के बीच 2 का गैपिंग हो रहा है, एक तो ये मुझे दिख रहा है, मुझे चेक करना है इस तरह का होता है क्या। यहाँ पे 6 है, 6 5 30 हो जाएगा, लेकिन 6 के टेबल में 40 नहीं आता, तो ये नहीं होगा। दूसरा 8 है, 70 है और 80 है, तो 8 के टेबल में 70 नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। 7 से 7 6 42 होगा, 6 टाइम में, और 7 8 56 होगा, तो ये जो है मैच कर जाएगा, यानी कि ये आंसर होगा, लेकिन कंडीशन है कि नेक्स्ट वाला नहीं होना चाहिए। 9 से हो रहा है 9 8 72, 8 बार में ये चला गया, और 9 से ये कटता है कितने बार में, 12 बार में, 12 9 108 होता है, तो 12 जाए, तो लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो है 4 का है, लेकिन आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा था 2 का, जो यहाँ पे 6 और 8 के केस में यहाँ पे हो जा रहा है, तो यानी कि जो ऑप्शन 3 होगा वो राइट आंसर होगा।
इस क्वेश्चन को हम लोग अल्टरनेटिव थिंकिंग इसका ये है, 5, 20 और 30 है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि 5 का मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना होता है 25, 25 से मैं 5 माइनस करूंगा तो मुझे 20 दिख जाएगा, और फिर से मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 25 होगा, उसमें मैं 5 ऐड कर दूं तो मुझे 30 दिख जाएगा। मुझे ये वाला इस तरीके से भी ये रिलेशन बन सकता है। अब मुझे बस इसको चेक करना है कि ये इस तरीके से बनता है या नहीं। अब 7 का मैं स्क्वायर करता हूं कितना होता है 49 होता है। अब 49 से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो मुझे 42 मिलेगा, जो कि मुझे दिख रहा था यहाँ पे 42। अब मुझे दूसरा वाला चेक करना है, 7 का मैंने फिर से स्क्वायर किया तो मुझे 49 मिला, मैंने 7 ऐड किया तो 9, 7, 16 यानी कि 56 मुझे दिखेगा, यानी कि तीसरा वाला दिखना चाहिए, तो वो दिख गया। यानी कि आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 12 के बाद आते हैं हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टडी दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर दी क्वेश्चन। मुझे ए इंटू बी का मतलब होता है ए इज दी वाइफ ऑफ बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए इज द सन ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, और ए डिवाइड बाई बी का मतलब होता है ए इज द फादर ऑफ बी। नाउ क्वेश्चन मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि इन पी प्लस आई डिवाइड क्यू में क्यू जो है वो पी से कैसे रिलेट है। तो इसका देखो यहाँ पे पी प्लस आई दिया हुआ है ना, पी प्लस आई, तो प्लस वाला क्या बताता है कि ए इज द सन ऑफ बी, यानी पी इज द सन ऑफ आई, पी जो है वो सन है किसका, आई का, तो पी सन है यानी प्लस हो गया, ठीक है, किसका है, आई का। नाउ यहाँ पे डिवाइड बाई क्यू है, यानी डिवाइड का सिंबल जो बताता है ए डिवाइड बाई बी, ये बताता है ए इज द फादर ऑफ बी, यानी यहाँ पे बताएगा आई इज द फादर ऑफ क्यू, तो आई इज द फादर ऑफ क्यू, आई जो है वो पिता है क्यू का, ये पापा हो गया यहाँ पे प्लस, सो आई इज द फादर ऑफ क्यू ये बताएगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, जो क्यू है वो पी से कैसे रिलेट है। तो देखो क्यू का जेंडर हमें नहीं पता, यहाँ तो ये सन था तो हमें पता चल गया ये लड़का होगा, यहाँ पे ये प्लस फादर है तो पता चल गया ये भी जो है मेन के कैटेगरी में आ गया, तो यहाँ पे क्यू के बारे में इसने जेंडर नहीं बताया, तो क्यू जो है वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकती है, तो ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, हमें नहीं पता, यानी कि ऑप्शन 4 जो है ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन है, वैसे ही है। अब यहाँ पे जो है मुझे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जी इज द मदर ऑफ ए, जी जो है वो एफ की मदर है, जी इज द मदर ऑफ एफ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, जी इंटू एम, तो इंटू का मतलब होता है, इंटू का मतलब होता है ए इज दी वाइफ ऑफ बी, तो यानी जी इज दी वाइफ ऑफ एम, जी इज दी वाइफ ऑफ एम, फिर हो गया, फिर डिवाइड बाई एच, डिवाइड बताता है ए इज द फादर ऑफ बी, तो एम इज द फादर ऑफ एच, एम इज द फादर ऑफ एच, ठीक है। और फिर यहाँ पे एच माइनस एफ, एच माइनस एफ बता रहा है मुझे, माइनस बता रहा है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी एच इज द सिस्टर ऑफ एफ, एच इज द सिस्टर ऑफ एफ, वी डोंट नो अबाउट द जेंडर ऑफ एफ। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, जी इज द मदर ऑफ एफ, जी जो है वो माँ है इसकी एफ की, तो ये परफेक्ट हो गया, मैच कर गया यहाँ पे, क्योंकि ये पापा है तो ये जी जो है वो मम्मी ही होगी, यानी जो ऑप्शन ए है वही मैच कर गया, नीचे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 15। 15 बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पेपर है उसे फोल्ड करा गया है और यहाँ पे एक इस तरीके का निशान लगाया गया, तो जब इसे ऐसे खोलेंगे तो ये इस तरीके का दिखेगा, और फिर जब इसे इधर खोलेंगे तो ये चीज इधर मुझे दिखेगा ऐसे, तो दो निशान मुझे ऐसे दिखेगा जो कि ऑप्शन 4 है, तो ये जो ऑप्शन 4 है वो मेरा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे टू पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवेन, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 3 इज एट द बॉटम, अगर 3 बॉटम है, मुझे 3 का अपोजिट बताना है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या करते हैं इसमें हम सिंपली जो है नंबर चेक करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ 2 जो है वो मैच किया, तो पहले वाले को 2 लिया, उसे क्लॉक वाइज हम लोग घुमा देते हैं, तो 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 3, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3। नाउ इसमें भी 2 को पकड़ा, 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, 2 के बाद 1, 1 के बाद मेरा 5, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया 1 और 3 का अपोजिट क्या हो गया 5, तो मुझसे पूछा गया कि 3 का अपोजिट बताओ तो 5 होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ पे फाइंड दी ऑड वन आउट, अब इसमें से जो ऑड वन है उसे साइड करना है,
मुझे दिया हुआ है 11, 60, 61 पहला वाला जो है, दूसरा है 14, 48, 50। अब ये सारे ट्रिपलेट है ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 11, 60, 61 हो गया, या 14, 48, 50 हो गया, या फिर 45, 60, 75 हो गया, ये सारे ट्रिपलेट है। तो इसमें कौन सा ट्रिपलेट नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आप देखो 11, 60, 61 ये हो गया ट्रिपलेट, 14, 48, 50 ये हो गया ट्रिपलेट, 45, 60, 75 ये हो गया ट्रिपलेट, 21, 72, 80 ये जो है ट्रिपलेट नहीं होता है। तो ये इसका आंसर हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमें वाटर इमेज बताना है। वाटर इमेज हमेशा नीचे की तरफ बनता है, तो अब देखो इसका जो नीचे वाला जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा। तो एन जो है वो उल्टा दिखेगा नीचे में, है ना। तो एन जब उल्टा दिखेगा तो ये एन सीधा है, ये नहीं हो सकता, ये एन उल्टा है, ये एन उल्टा है, ये एन उल्टा है। अब उसके बाद एच जो है, एच भी हमें उल्टा दिखेगा, इस तरीके का एच हमें दिखेगा। अब ये जो एच है ऐसे ये दिखेगा ठीक है, तो ये इस तरीके से जब दिखेगा तो एच यहाँ पे वैसा नहीं है, तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अब उसके बाद जो आर है वो मुझे ऐसे दिखेगा, मतलब ये चीज ऐसे आकर के इस तरीके से दिखेगा, यानी कि ये आर जो है सीधा मतलब ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, ये होगा, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो मेरा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मिसिंग नंबर फाइंड करना है, 3 है, 8 है, 25 है, 74 है, नेक्स्ट वाला फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो 3 3 9 होता है, उससे माइनस वन करेंगे 8 होगा, 8 3 24 होता है, उसमें प्लस वन करेंगे मतलब इंटू 3 माइनस 1 फिर इंटू 3 प्लस 1, फिर 25 3 75 होगा और 75 में से माइनस वन करेंगे। तो बहुत सिंपल है, इंटू 3 करना है, फिर एक बार माइनस करना है, फिर एक बार प्लस करना है, फिर एक बार माइनस करना है, तो नेक्स्ट वाले में फिर एक बार प्लस करना है। तो 74 जो है वो इंटू 3 करना है और उसमें फिर प्लस वन करना है। तो 74 इंटू 3 करेंगे तो 4 3 12, 1 7 21 और 1 22, 2 2 2 होगा, प्लस 1 करेंगे तो 2 2 3 मुझे यहाँ पे आंसर दिख जाएगा। तो 2 2 3 मेरा ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें हम मुझे ट्रायंगल फाइंड करना है, एक मतलब इस तरह का फिगर है, मुझे इसमें ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है। तो अब इसमें कैसे करते हैं, नंबरिंग कर देंगे, 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 मुझे ट्रायंगल तो ऐसे ही दिख रहा है। फिर अगर मैं दो नंबर को मिला दूं तो ये दो नंबर 1 और 2 मिला करके एक ट्रायंगल दिखेगा, 3 और 4 मिला के एक ट्रायंगल दिखेगा, 1 और 3 मिला के एक ट्रायंगल दिखेगा, 2 और 4 मिला के एक ट्रायंगल दिखेगा, तो 4 तो मुझे ऐसे ही दिख गया। उसके बाद फिर 3 3 को मिला दो तो 1 3 और 6 मिला के एक ट्रायंगल दिखेगा, 2 4 5 को मिला करके एक ट्रायंगल दिखेगा, तो ये दो मुझे ऐसे दिख गया। उसके बाद एक पूरा बड़ा वाला एक और दिखेगा, यानी कि 6 4 10 3 13, तो 13 ट्रायंगल मुझे इस तरीके से दिख रहे हैं, तो 13 जो है ये इसका राइट आंसर होगा। तो 13 जो है ये मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें कह रहा है कि एक सर्टेन कोड में बी ई जी जेड, इसे जो है क्यू टी वी वाई ले सकते हैं, बी ई जी जेड इसे लिखा गया है क्यू टी वी वाई। नाउ बी वाई एक दूसरे का अपोजिट होता है, जे क्यू एक दूसरे का अपोजिट होता है, वी ई वी एक दूसरे का अपोजिट हो गया, जी टी एक दूसरे का अपोजिट हो गया। उसी तरह से एफ क्यू के यू, यू का अपोजिट क्या होगा एफ, एफ का अपोजिट क्या होगा यू, तो एफ और यू लास्ट में आना चाहिए, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। के का अपोजिट क्या होता है पी, तो के पी मतलब पहला वाला में है, यू का अपोजिट क्या होता है जे, यानी पहला वाला ऑप्शन जो है वो मेरा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मैनी स्कूटर्स आर ट्रक्स, मैनी स्कूटर्स मतलब हमें सारा नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं ये जो सर्कल है ये मुझे स्कूटर्स बता रहा है ठीक है, तो जितने सारे स्कूटर्स है उसमें बहुत सारे, तो मैं मान लेता हूँ इतने सारे जो है वो क्या है मेरा ट्रक्स है, तो टी आर यू सी के एस ट्रक्स है। ऑल ट्रक्स आर ट्रेन, और जितने भी ट्रक्स हैं वो सारे के सारे जो ट्रक्स हैं वो मेरे ट्रेन है ठीक है, ये ट्रेन है सारे के सारे ट्रक्स। तो क्वेश्चन है सम ट्रेन आर स्कूटर, सम ट्रेन आर स्कूटर, सही है भाई, नो ट्रक्स इज स्कूटर। अब देखो इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट है वो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें नो नॉट नेवर ये सारे वर्ड्स नहीं है। तो जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो उससे कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता, मतलब नो नॉट वाला कंक्लूजन नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, तो यानी कि इससे जो है ये नहीं आएगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन 1 जो है वो फॉलो कर रहा है,
तो इसमें जो है ओनली वन जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट वाज द डे ऑन 19 फरवरी 2010, 19 फरवरी 2010 को कौन सा दिन हो रहा है हमें ये बताना है। नाउ देखो, क्वेश्चन नंबर 23 को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये क्लॉक एंड कैलेंडर का क्वेश्चन है और अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से जाओगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी लेंदी हो जाता है, लेकिन वहीं जहां आप ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली बहुत ही कम समय में ये सॉल्व हो जाएगा। सेकंड्स का ये काम है। अगर आपको क्लॉक एंड कैलेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियोस जो है लेकर के आऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से इजीली से क्लियर कर लोगे, समझ जाओगे। ऐसे भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप चाहें तो आप देख करके समझ सकते हैं कि कौन सी वीडियोज जो है वो बहुत अच्छे से आपको ईजी वे में कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 19 फरवरी 2010 है, मुझे इस दिन कौन सा डे होगा मुझे ये इसने बोला है, फाइंड करके बताओ। तो इसका जो सबसे इजी मेथड है वो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कोड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तरीका ये है कि 19 फरवरी 2010 इसमें जो 19 फरवरी है 19 को मैं क्या करूँगा, 7 से डिवाइड करूँगा। 19 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 × 2 = 14 होगा, 5 मेरा रिमाइंडर बचेगा, मुझे ये 5 लिखना है। नाउ फरवरी मंथ का जो कोड होता है वो होता है 4, ठीक है, हर मंथ का कोड होता है। तो फरवरी मंथ का क्या कोड होता है, 4 होता है यहाँ पे, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरीके से है, मतलब जो मेरा कोड है वो है मेरा 1440। और उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त इसका जो कोड है वो है मेरा 2503। उसके बाद होता है मेरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसका जो कोड होता है वो मेरा 6146 है। यानी कि ये जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है, अप्रैल का कोड 0 है, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का कोड 2 है, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर, ये सारे कोड्स हैं। तो फरवरी का कोड कितना है, 4, तो मैंने फरवरी का कोड पुट कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये जो 2010 है उसमें आपको पहले तो 2000 दिख रहा है फिर 10 दिख रहा है, तो ये 2000 का जो सेंचुरी ईयर कहते हैं 2000 सेंचुरी ईयर हो गया, तो जो सेंचुरी ईयर 2000 है उसका कोड होता है 6, ठीक है। और ये जो 10 है इसे अगेन दो बार समझना है। पहला जो 10 होगा उसे एज इट इज लिखना है, मतलब इस 10 को दो बार काउंट करते हैं हम लोग, एक 10 एज इट इज यहाँ पे कॉपी होता है, और सेकेंड टाइम में इस 10 को क्या करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड करते हैं और क्वोशंट लिखते हैं, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, हमें नहीं पता पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हम नॉर्मली कैसे करते हैं, 4 × 2 = 8 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। क्या बचा, क्या रिमाइंडर बचा, हमें उससे मतलब नहीं है, क्वोशंट कितना आ रहा है उससे मतलब है, 2 आ रहा है वो लिखा, इन सबको ऐड करके हमें 7 से डिवाइड करना है। तो 6 + 4 = 10, 10 + 10 कितना हो गया, 20, 20, और फिर इधर 7 है तो कितना हो गया, 27, 27 को मैं क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा। जब मैं 27 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आप बोलो 7 × 14 = 21, 7 × 28 होता है, तो 7 × 3 = 21 होगा, यानी कि 6 मुझे एज अ रिमाइंडर बचेगा। अगर 6 रिमाइंडर बचता है तो जो डे होता है वो होता है मेरा फ्राइडे, ठीक है। कब होगा ये, जब हम लोग संडे को 1 मानते हैं, तो संडे मेरा अगर जो दिन स्टार्ट होता है तो नॉर्मली हम लोग संडे को 1 मानेंगे, फिर उसके बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और संडे। तो सैटरडे जो है वो अगर 0 रिमाइंडर आया या 7 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया या 7 रिमाइंडर आया, तो उस केसेस में जो है मेरा जो डे होता है वो होता है मेरा सैटरडे। फ्राइडे कब होगा, जब मेरा रिमाइंडर 6 बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर 6 बचा है इसलिए डे कौन सा होगा, फ्राइडे। तो फ्राइडे इसका राइट आंसर है। ये समझाने में इतना टाइम लगा, ऐसे बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा AD- फिर सी। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम लोग, इसे काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 है, यानी कि AD- फिर सी, फिर डैश, फिर सी, फिर डैश, फिर ए, फिर डी, फिर डैश, फिर सी। इसे हम क्या करेंगे, 4-4 के पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 2, 2, 4, फिर इस तरह से हो गया मेरा AD- सी, फिर यहाँ पे डैश सी, फिर डैश ए, फिर AD- सी। देखो इसमें कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, हम इसे क्या करेंगे और छोटा करेंगे, मतलब अगर ये जो ए डी था मैंने क्या करा, यहाँ से बांट दिया, तो AD- सी, फिर डैश सी, फिर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, मतलब इसे दो दो के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो AD, फिर डैश सी,
जिस तरीके का ऑप्शन है अगर आप इसे अच्छे से समझो तो एडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे डैश सी दिख रहा है, डैश सी यहाँ पे भी दिख रहा है, डैश ए यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे एडी दिख रहा है, फिर डैश सी यहाँ पे दिख रहा है, एडी सी सी टी सी डी ए हो सकता है, एडी सी सी ऐसे हो सकता है, ठीक है, एडी सी सी फिर सी सी डी ए फिर एडी सी सी, तो बहुत सिंपल हो गया, यहाँ पे सी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है और उसके बाद सी दिख रहा है, सी सी डी सी मुझे ये चेक करना है या नहीं, तो है, तो ऑप्शन जो डी है वो मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लास्ट जो नंबर होगा वो फाइंड करने के लिए बोला है, 11 है, 13 है, 16 है, 21 है, 28 है। अब देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे जो है मेरा आई थिंक कितने का डिफरेंस हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ पे कितने का, 7, तो प्राइम नंबर दिख रहा है, 2, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद कितना होगा, 11 होना चाहिए यहाँ पे, 11 होगा, तो यहाँ पे 11 ऐड करते हैं तो 39 है मुझे दिखेगा, तो 39 जो होगा ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 25 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के। नेक्स्ट जो है वो है मेरा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके आईसीएआर असिस्टेंट के एग्जाम में। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्टली जो है करंट से रिलेटेड नहीं है, जिस तरीके से पेपर का जो सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है आईसीआर असिस्टेंट का क्या है तो आई आइकन पर क्लिक करके आप जो है सिलेबस चेक कर सकते हैं, या nishantacademy.in वेबसाइट पे जाकर के भी आईसीआर असिस्टेंट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप वहां से गैदर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन द 6th century BC सुक्तिमती, ठीक है, सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ, सुक्तिमती जो है वो कहाँ का कैपिटल था या किसका कैपिटल था वो हमसे पूछा है। तो सुक्तिमती जो है वो मेरा चेदी डायनेस्टी या चेदी जो किंगडम था उसका कैपिटल हुआ करता था। अभी चेदी डायनेस्टी जो है वो क्या है, तो चेदी डायनेस्टी को चेदी राजा ने या चेदी किंग ने जो है बनाया था, फाउंडर उसके जो चेदी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो जो है किंग चेदी था। किंग चेदी जो है वो विदर्भा, विदर्भा आपने सुना होगा, हिस्ट्री के बहुत फेमस है, विदर्भा का जो है ये सन था, विदर्भा जो है वो मेरा यादवा डायनेस्टी का फाउंडर था, ठीक है। तो ये जो यादवा डायनेस्टी का फाउंडर था विदर्भा, विदर्भा का जो पुत्र था चेदी, चेदी ने जो है चेदी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करा था। चेदी डायनेस्टी का जो कैपिटल था, राजधानी था, वो था मेरा सुक्तिमती। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा चेदी। नाउ अगर आपसे ये पूछा जाए कि चेदी डायनेस्टी का जो ग्रेटेस्ट रूलर है वो कौन था, तो इसका जो आंसर है वो है मेरा खारावेला। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ KHARA खारा VELA, खारावेला जो है वो मेरा चेदी डायनेस्टी का जो है ग्रेटेस्ट रूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, इन हूज रेन डिड द विजिट ऑफ संत थॉमस टेक प्लेस। अब ये जो संत थॉमस हैं ये इंडिया जो है वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। कब आए थे, तो 52 AD में आए थे, ठीक है, 52 AD में। किसके टाइम पीरियड में आए थे, तो गोंडोफरेंस जो है वो मतलब उस समय का जो टाइम पीरियड है, गोंडोफरेंस का जो टाइम पीरियड था, तो उस समय में जो है ये सर थॉमस संत थॉमस जो है वो आए हुए थे क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा, खास महल और शीश महल जो है आर बिल्ट इन इच ऑफ इन विच वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट। क्वेश्चन है यहाँ पे, खास महल और जो शीश महल है ये कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट में सिचुएटेड है, तो ये दोनों जो है आगरा फोर्ट में सिचुएटेड है। इसमें जो खास महल है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, और जो सेकंड वाला जो है वो है मेरा शीश महल। शीश महल भी जो है वो आगरा फोर्ट में ही है। खास महल से रिलेटेड एक और खास महल का एक और नाम है, इसे अमनगढ़ ए मौला कहते हैं। इसका मतलब होता है, अमनगढ़ ए मौला का मतलब होता है एक ऐसा होली, एक होली रेस्टिंग प्लेस, मतलब ऐसा ठहरने का जगह जो बहुत ही पवित्र है और बहुत ही शांत है, ठीक है। तो ये जो है शाहजहां ने बनाया था, कहाँ बनाया था, तो आगरा फोर्ट के अंदर बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा आगरा फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का है, विच
ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वॉज फाउंडेड बाई सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये इसका राइट आंसर होगा। कब स्टेब्लिश करी थी? तो 1939 में स्टेब्लिश करी थी। 1939 जो है वो ध्यान रखना आप, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तावा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है। तावा रिवर जो है वो नर्मदा नदी का जो है ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, झूम इज अ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा। झूम जो है एक तरह का कल्टीवेशन है, झूम जो कृषि होती है या झूम जो कल्टीवेशन होता है, इसे हम लोग स्लैश और बर्न्स एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जो मेनली अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे, मतलब नागालैंड स्टेट के जो है बहुत सारे एरियाज में जो है ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, येलो स्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? अब ये जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है, सबसे पहले ये मैं बता दूं, ये वर्ल्ड का सबसे पहला नेशनल पार्क है। येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है ये है कहाँ पे? तो ये यूएसए में सिचुएटेड है। तो कहाँ पे है लोकेशन? यूएसए में। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड का फर्स्ट जो है नेशनल पार्क कौन सा है, तो सेम आंसर होगा येलो स्टोन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, दोदा बेटा पीक जो है वो कहाँ पे है? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा कि नीलगिरी से रिलेटेड है ये। तो दोदा बेटा जो पीक है वो नीलगिरी का पीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा नीलगिरी माउंटेन। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये है कहाँ पे, तो तमिलनाडु वाले एरिया में ये जो है पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, हु हेडेड द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन अपॉइंटेड बाई द यूपीए गवर्नमेंट इन 2005? अब जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, सेकेंड, पहला जो है वो कब हुआ था? तो पहला जो है वो 1966 में हुआ था, 5 जनवरी 1966 को पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन होता क्या है? तो ये एक ऐसी कमिटी है, ये एक ऐसा कमीशन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है और इसका काम होता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का उसे रिव्यू करना, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो कब बना था? तो 5 जनवरी 1966 को बना था। सेकेंड जो है वो कब बना था? 31 अगस्त 2005 को बना था। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो सेकेंड वाला जो बना था उसे उसके उसके हेड कौन थे, उसके चेयरपर्सन कौन थे या जो चेयरमैन जो था वो कौन था? तो श्री वीरप्पा मोइली जो है ये इसके चेयरमैन थे। तो जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एंथम वॉज एडॉप्टेड बाई द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन? अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम कब जो है एक्सेप्ट करा था? तो ये 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 36, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये हमें कह रहा है कि जो मनी मार्केट है वो जो है किसका पार्ट है या किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर मनी मार्केट जो है वो किस लिए फेमस है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो है बहुत तरीके से यहाँ पे मतलब सेंस इसका बन सकता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो ये हमसे सिंपली ये कह रहे हैं कि जो मनी मार्केट जो है वो एक्चुअली जो है वो शॉर्ट टर्म से बिलोंग करता है कि लॉन्ग टर्म से बिलोंग करता है, हमें ये बताना है। तो मनी मार्केट जो है एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए यूज किया जाता है, जिससे जिसके थ्रू आप शॉर्ट टर्म के का लोन ले सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, लेंडिंग, बाइंग, सेलिंग, इन सब चीज़ों के लिए जो है हम लोग जो है मनी मार्केट को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है 37 नंबर का क्वेश्चन है, विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? कोयम्बटूर को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कोयम्बटूर है कहाँ पे? तमिलनाडु में है। क्यों कहते हैं इसे कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? ये आप ध्यान रख ले में रखना या फिर याद कर लेना, मगब कर जाना कि फिस्कल पॉलिसी की जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बजट, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक वर्क, पब्लिक डेट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बजट जो है ये एक तरह का फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट कहलाता है,
इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिससे हम लोग फिस्कल पॉलिसी को कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी का एक मेरा इंस्ट्रूमेंट है, उसी तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर उसी तरीके से जो है मेरा पब्लिक वर्क उसी तरीके से पब्लिक डेट को ही हम लोग पब्लिक बोरोइंग भी कहते हैं। तो ये सारे जो हैं ये मेरे फिस्कल पॉलिसी को कैलकुलेट करने के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है अलग है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये अलग है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं, हु एस्टैब्लिश्ड द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी का फाउंडेशन किसने दिया था, तो ऑब्वियस है कि मैक्स प्लैंक जो है ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं, वन एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कॉमन सॉल्ट को वाटर में ऐड करा गया, तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है होगा वाटर का वो क्या हो जाएगा। तो अब देखो जब भी हम लोग किसी भी तरह का मिक्सचर अगर हम लोग ऐड करते हैं वाटर में, उससे क्या होगा, उसका जो नेचुरल इंटेंसिटी होता है वो क्या होगा, वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब पहले जो था, पहले एक पर्टिकुलर टाइम पे वो होता था, तो उसके बाद जैसे उसमें अशुद्धि मैंने किसी तरह का मिला दिया, तो उससे क्या होगा, नेचुरल जो उसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जैसे बॉइलिंग जो होता है नॉर्मल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी गर्म हो जाता है, नॉर्मल पानी, लेकिन जैसे मैंने उसमें कुछ मिला दिया, नमक मिला दिया, अब नमक मिलाने से क्या हो गया, उसकी जो क्वालिटी है वो पहले के कंपैरिजन में दूसरी हो गई। अब यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स भी आ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, अब पहले जो है वो 0 डिग्री पे वो फ्रीज हो जाता था, मतलब अगर टेम्परेचर कम करना शुरू करो तो 0 डिग्री तक आते आते जो पानी है वो बर्फ में बदल जाता था, 0 डिग्री होते ही, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही मैंने उसमें नमक मिला दिया, तो वो 0 डिग्री पे भी वो क्या होगा, वो जो है सॉलिड नहीं होगा, वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसे और उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अब उसके बाद 0 से और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है जैसे ही हम लोग वाटर में कॉमन सॉल्ट को मिला देते हैं, लेकिन वही जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, माइनस में चला जाता है। तो इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाएगा मेरा फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिनिड्स नहीं होगा, एक्टिनॉइड्स होगा। एक्टिनॉइड्स जो है वो कौन से ग्रुप में आते हैं, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है 89 to 103। तो 89 to 103 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कली मेटल जो है वो किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। अल्कली मेटल जो है वो 1A के अंदर आता है पीरियोडिक टेबल में। जैसे सपोज ये पीरियोडिक टेबल है, तो 1A में जितने सारे हैं, लिथियम है, सोडियम है, और ऊपर में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को तो हम लोग काउंट नहीं करते, लिथियम होता है, सोडियम होता है, और पता नहीं और नीचे और भी बहुत सारे हैं, अभी ध्यान नहीं है। तो 1A जो होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है अल्कली बनाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिश्यू विच फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ बॉडी। अब किस तरह का जो है टिश्यू जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, तो इपिथेलियल टिश्यू जो है ये इसका राइट आंसर होगा। तो इपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे गिवन है, तो इपिथेलियम टिश्यू जो है ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44, लिगमेंट्स जो है वो क्या कनेक्ट करता है। लिगमेंट जो है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा बोन टू बोन। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच कंट्री इज द पार्टनर कंट्री ऑफ द 6th वर्ल्ड वाटर वीक 2019। अब बोलोगे सर 2019 का यहाँ पे क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है। 2019 का क्वेश्चन ये इसलिए दिया है क्योंकि यही जो है 6th है, इसके बाद 7th वाला अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आपके दिमाग में ये है कि जो है ना कि ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि अभी 7th वाला हुआ नहीं है, जो कि 2022 के लास्ट में होगा, नवंबर दिसंबर में होगा। तो ऑब्वियस है कि इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अभी पूछ सकता है अगर इससे रिलेटेड डाटा अगर गिवन है, मतलब ऑफिशियली अगर अनाउंस्ड है इससे रिलेटेड डाटा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन अगर नहीं है तो इससे पहले वाला ही होगा,
तो ये सेवेंथ होने वाला है, तो यानी कि जो सिक्स वाला है वो इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच कंट्री इज द पार्टनर कंट्री ऑफ द सिक्स इंडिया वाटर वीक। तो इंडिया वाटर वीक 2019 में हुआ था, सिक्स हुआ था ये। तो इसका जो पार्टनर कंट्री था वो दो था, एक मेरा जापान और दूसरा मेरा यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ऑप्शन नहीं है, यानी कि जापान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 नंबर का क्वेश्चन है हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द 2019 राइट लिवलीहुड अवार्ड। अब 2019 का जो है राइट लिवलीहुड अवार्ड जो है वो किसको मिला था, वो मिला था ग्रीटा थनबर्ग को। ग्रीटा थनबर्ग जो है ये इसका राइट आंसर होगा। किस लिए मिला था, क्योंकि इसने जो है कुछ जैसे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे रिलेटेड जो है कुछ चीजें जो है रखी थी गवर्नमेंट के सामने, उससे रिलेटेड कुछ इंस्पायरिंग जो है कुछ काम किए हुए थे इसके लिए। अब ये तो 2019 का हुआ है, 2021 में जो है किसको मिला है, तो 2021 में जो दिल्ली बेस्ड एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसे मिला है। नाम है इसका, शॉर्ट नाम है लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है। तब की मैं बात कर रहा हूँ 2021 की बात कर रहा हूँ, 2022 वाला भी हुआ नहीं है ये। तो 2021 में राइट लिवलीहुड अवार्ड जो है वो लाइफ नाम की एक दिल्ली बेस्ड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसी में ली है। लाइफ का जो फुल फॉर्म है वो है मेरा लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, ठीक है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 47 आते हैं, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू हेड ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो नए हेड है वो कौन है, तो क्रिस्टलिना, कहा है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48, गांधी पीस प्राइज 2018 का जो है किसे मिला है। तो 2018 वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन अब आजकल हो क्या रहा है एग्जाम में, वो पहले के क्वेश्चंस उठा के दे रहा है, इसीलिए जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पहले के दिए हैं, ताकि आप ये मत समझो कि दो महीने तीन महीने का पहले का करंट अफेयर पूछता। अभी इस साल के जितने सारे अभी एग्जाम हुए हैं सब में उन्होंने 2019 का क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन ऐसे पूछा है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो है आपसे एकदम लेटेस्ट दो महीने पहले का, तीन महीने का पहले का क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे आगे पीछे का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो गांधी पीस प्राइज जो है 2018 का जो मिला है उसे, वो मिला है मेरा योई शशाकावा को, ठीक है। 2018 के बाद अगर मैं 2019 की बात करूं, 2019 में जो मिला है वो मिला है काबूस बिन सिद अल सिद, ठीक है, अल सिद काबूस बिन सिद अल सिद, इसे जो है मेरा 2019 का गांधी पीस प्राइज मिला है। उसके बाद 2020 का जो गांधी पीस प्राइज है वो मुझे शेख मुजीबुर रहमान इन्हें मिला है। तो 2020 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 2019 वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 2021 का अभी तक किसी को नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा यूनेस्को has named Dash as the World Capital of Architecture 2020. UNESCO ने World Capital of Architecture 2020 के लिए किस शहर को चुना है या किस शहर को इसका उपाधि दिया है, तो रियो दे जेनेरियो इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर में भी ये आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 है इंडियाज फर्स्ट एक्वा मेगा फूड पार्क जो है वो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा आंध्र प्रदेश। ये टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए, आईसीएआर असिस्टेंट का हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बाकी के 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ आईसीआर असिस्टेंट से रिलेटेड अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए या फिर आपको अगर प्रैक्टिस टेस्ट ज्वाइन करना है या फिर आपको फुल पैकेज ज्वाइन करना है, तो एक बार निशांत एकेडमी ऐप जरूर विजिट करिए, बहुत ही रिलेवेंट कोर्सेस अवेलेबल है वहां पे और चीप एंड बेस्ट प्राइस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।